अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बैंक है, जो रकम चाहिए भर दो इसमें, जितना अमाउंट चाहिए तुम्हें भर दो। क्या हुआ? मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हारे फायदे की बात है, तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, यही है वो फायदा। तुम्हें जितना अमाउंट चाहिए इसमें लिख दो, लेकिन बदले में मुझे सच बताओ, पूरा सच, एक एक सच, शुरू से लेके आखिर तक। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? कंट्रोल करके बैठा हूं मैं, आग मत लगा। हाँ मानता हूं मैं उठा लिया उसने मेरी बुर्बी को, पर मैं यहां पर क्यों? पता है ये अंदाजा भी है मैं उसका क्या क्या उठाने वाला हूं। उसको ना मैं बर्बाद करके रख दूंगा, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दो। उसने क्या किया? उसने मुझसे मेरी पूर्वी को छीन लिया, उससे शादी कर ली। तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं उसको ना उसकी जिंदगी छीनूंगा, उसका नाम, काम, इज्जत, शान और शौकत सब कुछ छीन लूंगा मैं। अब ना दुनिया में वो सिर्फ वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन आरवी मल्होत्रा के नाम से नहीं जाना चाहेगा, अब वो जाना चाहेगा एक मॉलेस्टर के नाम से, लड़की बास अय्याश जिसने एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की थी, उसके नाम से जाना चाहेगा। और मेरी पूर्वी बिचारी लगी पड़ी है कब से उसके नाम उसकी इज्जत को बचाने के चक्कर में। और क्या होता है पता है? ये इज्जत होती है ना वो सफेद चद्दर की तरह होती है, ऐसे एक बार ना उसके ऊपर दाग लग जाता है फिर जाता नहीं है। भाई कौन से जमाने में जी रहा है तू? तेरी उम्र भले ही कम है लेकिन तेरी जो सोच है ना वो बाबा आदम के जमाने की है। दाग भाई पुराना फंडा था, आज के जमाने में नहीं चलता ये सब। और देख तेरे को दाग धोना है ना तो बहुत कुछ है आजकल, लाइम है, विनेगर है, बेकिंग सोडा है, सब धुलता है सब कुछ, और सफेद चादर बिल्कुल चकाचक। और रही बात चरित्र की, को धोने के लिए चाहिए पैसा, जिसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। बेटा जमाना आज का हो या पुराना, पर प्यार प्यार तो पुराना ही चलता है हर टाइम ना। और प्यार का क्या होता है? प्यार या तो होता है या तो नहीं होता है, बीच का कुछ नहीं होता है भाई। और जब सच्चा वाला प्यार होता है तब उसे पाने के लिए कुछ भी होता है। पर मैं किससे ब्याह करता हूं? अपनी पूर्वी से। तो उसे भी पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी कीमत पर मैं जाऊंगा। क्योंकि पूर्वी मेरी है, मैं पूर्वी का हूं। जस्सी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पीयू पे किसी तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है, कोई दबाव, कोई मजबूरी है। दबाव, मजबूरी? हाँ बड़ी बुआ, मैं पीयू को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो अकेले सब कुछ सहन कर लेगी, पर हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी, कभी हमें परेशान नहीं होने देगी। और अब जो वो कर दिया ना, वो ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, इसलिए मुझे लगता है कि उस पर ना किसी तरह का प्रेशर है, और ये प्रेशर ना आरवी की फैमिली पे से। देख खुशी, हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। आपको कैसे पता कि मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ? जैसे तू पूर्वी को जानती है ना अच्छे से, वैसे मैं भी तुझे अच्छे से जानती हूँ। मेरी बच्ची है तू, मेरे सामने बड़ी हुई है, वो सब छोड़। मैंने बता दिया ना हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे। पर क्यों? मुझे नहीं अच्छा लगता वहाँ, वो परिवार ही अच्छा नहीं लगता। कैसे बात करते हैं हम लोगों से,
जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं, हम लोग समाज में रहने के लायक ही नहीं है। ना ना जी ना, मैंने नहीं जाना है वहाँ। बस फिर मुझे तो जाना है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ, मुझे पीयू से बात करनी। अरे बात तो कर ली ना तूने, अब क्या बाकी है? हाँ बात कर ली, पर एक आखिरी बार बाकी है। प्लीज मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे ना, फिर मैं उसे कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। उसे जो करना है ना उसे करने दो, एक बार मुझे उससे बात करनी है, बहुत जरूरी है। देख पुत्र मेरी बात मान। नहीं बड़ी बुआ, मैं उसे ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकती, और आप तो पीयू को जानती हो, बचपन से ही हमारे से मदद लेने के लिए उसे प्रॉब्लम होती है। जब उस पर सबसे बड़ी मुसीबत आई तब उसने हमसे मदद नहीं ली, तो ये सब सही है अपनी जगह, लेकिन मैं अभी कहूंगी कि मत कर ऐसा। नहीं बुआ जी प्लीज, पीयू मेरी बहन, मुझे एक आखिरी कोशिश तो करने दीजिए। लेकिन पुत्र प्लीज प्लीज मेरे लिए एक बार। ठीक है तू कहती है तो चल। थैंक यू भैया, जहां से हमें पिक किया प्लीज वापस वहीं छोड़ दीजिए। पूर्वी मेरी जान, जब जब तुम्हें देखता हूँ ना ये दिल ना धड़कने लगता है। कुछ वक्त और उसके बाद मैं तेरा तू मेरी। कौन है ये? ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इसे कहीं देखा है? ओए जूही, आ गया भाई। आर्मी भाई, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? इसीलिए क्योंकि विक्रांत भाई आ गए तुम्हें लेने। वेरी फनी, ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा? विक भैया क्यों आए थे मुझे लेने के लिए? हर बार तो आप आते हो ना मुझे लेने। शिकायत की दुकान तो शिकायत ही करती रहेगी, या सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन से भी मिलेगी? मुझसे मिल, मैं। अरे हट, तू कब से सबसे इम्पोर्टेंट हो गया? मैं बचपन से इम्पोर्टेंट हूँ, तुझे बस आइडिया नहीं है। तो एक मिनट लड़ना बंद करो, अब इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई और है। मिलो पूर्वी सर। हाय, ये है भाभी। वैसे तो मैं एक नजर में ही पहचान गई थी देखकर, क्योंकि भैया के साथ चलकर आ रही थी तो भाभी होंगी ना। हाय भाभी, मेरा नाम है जूही। हाय, और मैं भैया की सबसे लाडली बहन। समझ गई मैं, इनफैक्ट तुम सारे भाइयों की लाडली हो। हाँ वो तो है, आई एम सो लकी। अब तू डबल लकी होगी, क्योंकि अब तू मेरी भाभी की भी लाडली होगी, है ना भाभी? और क्या, और मैं आज हूं कि नहीं तुम्हें? ओह माय गॉड, मोनिशा दी आप यही है? आई मीन लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो आप आरवी भाई से शादी करने वाली थी ना? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।